जो भी आप लोगों के सामने है और देखिए किस प्रकार की थी इधर की। ये देखिए बराबर हम आप लोग की इधर साइड साइड से दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए प्रशासन द्वारा जो कि यहाँ पे कभी शक्ति दिखाई जा रही है। आप लोगों साइड साइड से घरों को देखिए किस प्रकार इधर से साइड से तोड़ा जा रहा है और ये देखिए पूरी तरीके से निचोड़ दिया जा रहा है। आप लोगों के सामने है या देखिए जो सामने है इधर से प्रशासन द्वारा किया किस प्रकार भाई किस प्रकार यार पब्लिक देखिए जो कि इधर से साइड पे कितने इधर से भी सब लोग खड़े हुए हैं। अरे बहुत बहुत इधर देखिए क्योंकि घर से घर में लोग हैं इधर तब भी ये घर देखिए घर में लोग हैं तब भी मतलब जो कि प्रशासन द्वारा देखिए निकाल दिया है। और इसमें गल्ला देखिए कैसे अब यहाँ सामने देखिए वो उतारा जा रहा है या देखिए अंदर क्या कर रहे हैं देख रहे हैं अभी आया है गल्ला जो कि बांटने ये कोठीदार हैं जो कि यहाँ पे देखिए ये घर जो कि ध्वस्त होने वाला है और ये कोठीदार हैं और इनके घर में मतलब नहीं छोड़ा जा रहा है जो कि गल्ला हल्ला सब है राशन पटाई है इसे भी मतलब ध्वस्त किया जा रहा है इसी घर के अंदर अंदर। चलिए दिखाते हैं और आगे आगे जो कि हम लोग छत पर आए हुए हैं देखिए लोग किस प्रकार बचाव के लिए आए हुए हैं और बचा रहे हैं जो कि उनका सामान जो कि पर्सनल सामान जो कि है और इसमें लोग भी हैं इधर देखिए लोग भी हैं देखिए हटा रहे हैं सब बचा रहे हैं इधर से जो कि अरे यार निकल जाए कोई संभावना नहीं है एकदम सब कंडीशन खराब कर दिए। ए भाई यार ना टूट गया अरे हथौड़ी से भी ना टूटे यार देखिए कंडीशन जो कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बराबर ही इसमें है खड़े हैं घर में लोग लेकिन प्रशासन द्वारा पूरा एकदम जोर शोर लगा दिया गया है जो कि कहाँ जा पाए यार उकुल कोई खुल रहा है एकदम लोग देखिए बचाव के लिए जो कि सब कर रहे हैं इधर से कोई घर मतलब बख्शा नहीं जा रहा है यहाँ पे। अरे यार सब रद्दी सामान क्या कर निकाला था यार जो मेन हुआ वो सब निकाला जाए रद्दी चीज है तो उसको निकाला था यार यार गाइस ये सब बातें हैं यार रिक्स इतना बड़ा ले रहे हो यार रद्दी सामान निकालोगे क्या मतलब है इतना बड़ा रिक्स है कोई हो जाए तो ये देखिए जिसमें इसमें लोग हैं और इसमें लोग होने के बावजूद भी घरों को देखिए किस प्रकार किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और देखिए जैसी भी देखिए हमारे सामने जस्ट हमारे जस्ट लग गए है एकदम क्योंकि ये घर भी हिलने लगा है हालांकि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी चलते हैं आगे के लिए जो कि पीछे का रास्ता है इधर से और लोगों को बचाव के लिए आए हुए हैं। ये देखिए लोग इसमें देखिए भरे हुए हैं और आगे से जो कि तोड़ा जा रहा है पूरा इधर क्या कर सकते हैं देखिए दीवाल क्या कंडीशन है भाई साहब क्या बहुत मौसी भी बत्तर वाला हाल है इसमें यहाँ पे घर देखिए कैसे चिड़चिड़ा चुके हैं एकदम और लोग बचाव के लिए चालू हैं जो जो उनका कुछ भी सामान है जो कुछ बच सकता है उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम कर भी क्या सकते हैं जो कि आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं देखिए देखिए ये देखिए
बचाव का काम शुरू हो चुका है, जो कि एकदम सब फेंके फेंका लगे हुए हैं एकदम। वही पे रखते कोई दिक्कत नहीं बा, वही पे रखते कोई दिक्कत नहीं बा, ना ये ना गिरे। हाँ तो अरे सब रद्दी सामान जो कि बचा रहे हैं, ये सब जोखिम भरा रिक्शा ले रहे हैं खाली रद्दी सामानों के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है बिंदास, इतना बड़ा रिक्स ले लिए हैं जो कि खाली ये हाल देखिए लोग का, गांव का हाल है जो कि ये ग्राम नरथुआ और आई पोखरा का ये हाल है, जो कि ऐसा ऐसा कंडीशन आ जाता है कि लोग अपने जान पे जोखिम डाल के इसमें यहाँ पे खड़े हो जा रहे हैं। खड़े हो के देखिए किस कैसे किस जगह खड़े हुए हैं, देख लीजिए दो मंजिला जो कि है इधर से, ये भी सब खत्म कर लिए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।